हेलो दोस्तों, नीट एग्ज़ाम 2021 पर एनटीए की ओर से अभी अभी एक लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। आप सभी के कट ऑफ पर जितने भी हमारे छात्र थे जो अपनी आंसर की का वेट कर रहे थे, कट ऑफ का वेट कर रहे थे, रिजल्ट डेट का वेट कर रहे थे, तो आप सभी के लिए, सभी के जितने भी हमारे छात्र हैं, सबसे पहली बात तो ये कि आप सभी के एग्ज़ाम जो है री एग्ज़ाम नहीं होने वाला। काफ़ी सारे छात्र यहाँ पर डाउट कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम क्या फिर से होगा। ठीक है, तो आपको बता दें री एग्ज़ाम अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अब जो आपकी अपडेट आ रही है वो आपकी आंसर की आ रही है। अब जो एनटीए आंसर की जारी करेगा, इसके बाद आप सभी लोगों के ऑब्जेक्शन फॉर्म, इसके बाद फाइनल आंसर की कट ऑफ और रिजल्ट, पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहें। देखिए यहाँ पे आपकी जो अपडेट है आज की होने वाली है 29 सितंबर की, ये आपको बताते हैं। ममता जी के द्वारा यहाँ पे एक प्ली जो है सबमिट की गई है सुप्रीम कोर्ट में, आप सभी का जो एनटीए का नीट का एग्ज़ाम है इसको कैंसिल करने को लेकर। क्या अपडेट है आप लोग देख सकते हैं, द प्ली हैज़ बीन फिल्ड बाई एडवोकेट ममता शर्मा हु ऑल्सो फॉट फॉर द कैंसिलेशन ऑफ CBSE बोर्ड एग्जाम इन 2020। आपको बता द प्ली हैज़ ऑल्सो सॉट डायरेक्शन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड द नेशनल मेडिकल कमीशन टू इन्हेंस द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इन द एग्जाम। ठीक है, द प्ली ऑल्सो सीक्स रिस्पॉन्स फ्रॉम NTA ऑन व्हाई द एग्जाम शुड नॉट बी कैंसल आफ्टर द अलेग्ड चीटिंग स्कैंडल। ठीक है, तो आपको NTA से जवाब मांगा गया है कि एग्ज़ाम क्यों नहीं कैंसिल हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे CBI की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसकी भी रिपोर्ट यहाँ पे जो है सबमिट करने को कहा गया है। ठीक है, CBI इन्वेस्टिगेशन आपको पता होगा कि NTA में जो है NTA द्वारा जारी की गई थी नीट के एग्ज़ाम पर जो भी जो आउट हुए थे पेपर उस पर। ठीक है, अब यहाँ पे NTA जो है 5 अक्टूबर 2021 तक आप सभी जो है आंसर की जारी करने वाला है, इसके बाद रिजल्ट का प्रोसेस आगे बढ़ाएगा, उसने ये कहा है। ठीक है, और री एग्ज़ाम को लेकर अभी भी उसने कोई अपडेट नहीं दी है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे लगातार संभावनाएं बनी हुई थी एग्ज़ाम को लेकर।